हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार आईपीटेक स्कूल से आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस वीडियो ट्यूटोरियल में, जहाँ हम बात करते हैं वीवीएमआई को प्रोग्रामिंग की। आज बात करेंगे कि हमारे जो एक्टिव डेटा है उसको छोड़ के जितने भी रो एंड कॉलम को एक साथ कैसे हाइड करें, आज की क्लास में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपको अगर पूरी सिक्वेंसली वीडियो चाहिए, हर एक चीज़ A to Z, पूरा बेसिक टू एडवांस, तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा ऐप डाउनलोड करने के लिए वीडियो के लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मेरा ऐप का लिंक मिल जाएगा, जो कि iOS और एंड्रॉयड दोनों पे अवेलेबल है। आप दोनों पे जाके कर सकते हैं। और ऑनलाइन क्लास लेना चाहे तो हमारी 1-to-1 लाइव इंटरेक्टिव क्लास होती है, जो कि डेली वीकेंड अर्ली मॉर्निंग लेट नाइट जैसे टाइमों पर होती है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो फटाफट मुझे कॉल कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो हम चाहते हैं कि जो भी रो एंड कॉलम है एक्स्ट्रा वो हाइड हो जाए। जनरली हम लोग सेलेक्ट करके हाइड करते हैं, इसको हम वीवीए प्रोग्रामिंग से हाइड करना चाहेंगे। तो जाते हैं, इंसर्ट करते हैं मॉड्यूल्स, और यहाँ पे हम सब्जेक्ट देते हैं, और ये मेरा है सैंपल नंबर 37। ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब सबसे पहले तो जो एरिया है उसको छोड़ के मुझे रो और कॉलम करना पड़ेगा। यहां से मुझे लास्ट में यहां जाना पड़ेगा। तो जाने के तरीके तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं जाता हूं रेंज। अच्छा, एक काम और कर सकते हैं, एक काम और कर सकते हैं यहां पे, हाँ यहां पे रेंज ए, यहां पे A1.AND डॉट सेलेक्ट। डबल स्क्रीन करते हैं स्क्रीन को देखने के लिए। अगर यहाँ पे कर्सर है तो अगर इसको रन करती हूँ, ऑगमेंट नॉट ऑप्शनल, ओके 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 ओके। A1 से मैं करता हूँ एंड एक्सेल टू लेफ्ट डाउन डॉट सेलेक्ट, तो ये क्या आएगा, नीचे आएगा, नीचे आया। यहाँ पे करेंगे डॉट ऑफसेट 1 रो एंड 0 कॉलम, यहाँ पे आ गया। रेंज यहाँ पे एक्टिव से सॉर्ट करते हैं, कि एक्टिव रेंज देंगे पहले, रेंज यहाँ पे एक्टिव सेल से एक्टिव सेल डॉट एंड, और इसको करते हैं डाउन डाउन डॉट एंटायर रो, इसको बड़ा करता हूँ मैं, एंटायर रो डॉट हिडन इक्वल टू। अब इसको रन कीजिए तो देखिएगा कि पूरा का पूरा नीचे देखिए हाइड हो गया। अब मैं यहां से राइट की तरफ बढ़ूंगा और इसको हाइड करूंगा, तो सेम लिखेंगे रेंज A1 डॉट एंड एक्सेल टू लेफ्ट डॉट सेलेक्ट। अगर ऐसा करता हूँ तो मेरा कर्सर यहाँ पे आना चाहिए, फिलहाल यहाँ पे कर सकता हूँ, और इस मैक्रो को 37 को रन करता हूँ, दिखाता हूँ आपको क्या करेगा। नहीं, एक्सेल टू लेफ्ट नहीं होगा, यहाँ पे एक्सेल टू राइट। अब आपका कर्सर देखिएगा कहाँ पे आएगा, मैक्रोस करते रन, आगे अब इससे ऑफसेट की मदद से आगे लूंगा और आगे से पूरा राइट में लेके जाके उसको इंटायर कॉलम को हाइड कर दूंगा। राइट डॉट ऑफसेट 1 रो एंड 0 कॉलम डॉट सेलेक्ट, देन अगेन एक्टिव सेल स्टार्टिंग में क्या है, एक्टिव सेल होगा रेंज एक्टिव सेल कॉमा एक्टिव सेल डॉट एंड
एक्सेल टू राइट डॉट एंटायर कॉलन डॉट हिडन इक्वल टू ट्रू। विस्फोरण कीजिए यहां पे, डन हाइड हो गया। अगर मान लीजिए इसी को अनहाइड करना हो तो क्या करेंगे, इसके बारे में हम अगली क्लास में आपके साथ डिस्कस करेंगे कि पूरा रो हाइड है, इसको सारे को अनहाइड करना है तो क्या करें। तो चैनल पे बने रहें, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्लासेस लेना हो तो स्क्रीन पे नंबर है, कॉल कीजिएगा और साथ में मेरा ऐप जरूर डाउनलोड कीजिएगा। थैंक यू।